नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री, नोटबंदी पर दी जानकारी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से की गुजारिश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से परेशानी बने रहने पर हो सकते हैं दंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया ग्राम प्रधानों का मनोदय। लेखपालों को मिलेगा लैपटॉप। नोटबंदी के बीच पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री, नोटबंदी पर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और नोटबंदी के बाद जनता की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की उन्हें जानकारी दी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से की गुजारिश। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान भारत की उकसावे वाली कार्रवाइयों की तरफ खींचते हुए कहा कि इससे तनाव पैदा हो रहा है और क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से परेशानी बने रहने पर हो सकते हैं दंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि अगर परेशानी जारी रहे तो दंगे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया ग्राम प्रधानों का मनोदय। लेखपालों को मिलेगा लैपटॉप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक की। लोक भवन में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। SGPGI के विस्तार पर भी मुहर लगी है। नोटबंदी के बीच पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुछ बिहार सीट और तमलुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मोटेश्वर विधानसभा सीट पर 23 उम्मीदवार आमने सामने हैं।